कृपा रस नयन कमल दल फूले, ब्रह्मशाल देखे कोटिक मनमत रहे भूले। वदन कमल पर कुटिल अलक छवि मोतिन हार अवंतस झूले। गोविंद प्रभु प्यारी संग बैठे जहां कालिंदी के खूले। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, श्री वल्लभाधीश की जय। आज ज्येष्ठ शुक्ल चतुर्थी है। श्रीनाथ जी में आज का श्रृंगार ऐच्छिक है और राजभोग में चंदन की गोली का मनोरथ है। हम जानते हैं कि जिन तिथियों में प्रभु की सेवा प्रणालिका में कोई वस्त्र या श्रृंगार निश्चित या निर्धारित नहीं होता है, उन तिथियों में प्रभु को ऐच्छिक वस्त्र और ऐच्छिक श्रृंगार धराए जाते हैं। ऐच्छिक वस्त्र श्रृंगार के धराने में प्रभु श्री गोवर्धन धरण की इच्छा सर्वोपरि होती है। इसके अतिरिक्त ऋतु की अनुकूलता, ऐच्छिक श्रृंगारों की उपलब्धता का ध्यान रखा जाता है और पूज्य श्री तिलकायत महाराज श्री की आज्ञा लेकर प्रभु की तत्सुक की भावना से मुखिया जी अपने स्वविवेक के आधार पर ऐच्छिक श्रृंगार धराते हैं। ऐच्छिक वस्त्र और श्रृंगार के रूप में आज श्रीनाथ जी प्रभु को चंदनी मलमल की परधनी और श्रीमस्तक पर चिन्मा अर्थात तह वाले पगा धराया जाता है और पगा के ऊपर तुर्रे का श्रृंगार आज है। आज राजभोग में चंदन की गोली का विशेष मनोरथ है। सूर्य नारायण देव जब रोहिणी नक्षत्र में रहते हैं तब इन दिनों में अत्यधिक गर्मी रहती है। इस अवधि में प्रभु को चंदन धराया जाना उत्तम माना गया है। अतः रोहिणी नक्षत्र के दिन से आगामी 15 दिनों तक श्रीनाथ जी प्रभु के श्री अंग में चंदन धराया जा सकता है। उष्ण काल में सूर्य जब रोहिणी नक्षत्र में होता है तब पुष्टि मार्ग में अपने सेवे स्वरूप को शीतोपचारार्थ सामर्थ्यानुसार चंदन की गोली, चंदन की चोली, लपट जपट, खस खाना, जल विहार, शीतल जल से स्नान, संध्या में आदि प्रशस्त या उत्तम माने गए हैं। आज प्रभु के श्री अंगों में कुल 5 केसर बरास मिश्रित चंदन की गोलियां धराई जाती है। ये 5 चंदन की गोलियां वक्ष स्थल, दोनों श्रीहस्त और दोनों चरण कमल में धराई जाती है। श्री जी में प्रतिदिन अथवा नियम से चंदन नहीं धराया जाता है। अभी तो मनोरथियों द्वारा आयोजित चंदन धराने के मनोरथ होते हैं और राजभोग और संध्या आरती में मनोरथ के भाव से ऋतु के अनुरूप विविध सामग्री अभी अरोगाई जाती है। आइए श्रीनाथ जी प्रभु के आज के श्रृंगार के गुणगान करते हैं। आज की साज सेवा में श्रीनाथ जी में आज चंदनी मलमल की बिछवाई धराई जाती है। साज सेवा के तहत ही आज गादी, तकिया, चरण चौकी, 3 पड़गा जी और 1 त्रष्टि जी प्रभु के समक्ष पधराए जाते हैं। इनके अतिरिक्त खेल के साज भी पधराए जाते हैं। गादी, तकिया एवं चरण चौकी पर श्वेत बिछावट की जाती है। प्रभु के सम्मुख पधराए गए 1 पड़गा जी में बंटा जी धराए जाते हैं, जबकि दूसरे पर जारी जी पधराए जाते हैं और तीसरे में माटी के कुंजा में शीतल सुगंधित जल भरा जाता है। ठाकुर जी के स्वरूप के सम्मुख धरती पर चांदी के त्रष्टि जी धरे जाते हैं और तकिए के पास 2 गुलाबदानियाँ भी उष्णकाल की सेवा के तहत पधराई जाती है। आज श्रीनाथ जी प्रभु को वस्त्र सेवा में चंदनी मलमल का रुपहली जरी की तुई लेस की किनारी से सुसज्जित परधनी धराई जाती है। आभरण श्रृंगार सेवा में आज प्रभु को छोटा अर्थात कमर तक का उष्णकालीन हर का श्रृंगार धराया जाता है। आज सर्व आभरण अर्थात कंठहार, बाजूबंद, पौची, हस्त सांकला, कड़े, मुद्रिकाएं, सिरपेच, लूम, कतरा, शीशफूल, कर्णफूल, पेंजनिया, नूपुर, बिछिया आदि सर्व आभरण मोती के सुशोभित किए जाते हैं। ठाकुर जी के श्री मस्तक पर चंदनी मलमल का चिन्मा पगा अर्थात तह वाला पगा धराया जाता है, जिसके ऊपर सिरपेच, तुर्रा और शीशफूल सुशोभित किए जाते हैं। ठाकुर जी के श्रीकर्ण में 1 जोड़ी कर्णफूल धराए जाते हैं। प्रभु श्री गोवर्धन धरण के श्रीकंठ में आज गुलाबी एवं श्वेत पुष्पों की कलात्मक थाक वाली 2 सुंदर माला जी सुशोभित की जाती है। प्रभु जी के श्री हस्त में 3 कमल की कमल छड़ी, सुआ वाले वेणु जी और 1 वेत्र जी धराए जाते हैं। खेल के साज में आज पट उष्ण काल का और गोटी छोटी अकीक की आती है।
श्रीनाथ जी प्रभु की सेवा का अन्य सभी क्रम नित्य नियमानुसार संपादित किया जाता है, जैसे कि चार दर्शनों, मंगला, राजभोग, आरती एवं शयन के दर्शन में प्रभु की आरती उतारी जाती है और नित्य नियमानुसार मंगला, ग्वाल, राजभोग, शयन में सकड़ी और अनसकड़ी की विविध सामग्रियों का भोग प्रभु को समर्पित किया जाता है। उष्णकाल विशेष में प्रभु सुखार्थ आज श्री जी के सम्मुख भोग के दर्शन में शीतल जल के चांदी के फवारे चलाए जाते हैं एवं राजभोग के बाद हर घंटे भीतर व संध्या आरती के दर्शन के पश्चात ढोल तिवारी में शीतल जल का छिड़काव किया जाता है। आइए आज की राग सेवा, आज के कीर्तनों की चर्चा करते हैं। मंगला दर्शन में यमुना जी का कीर्तन, शरण प्रतिपाल, गोपाल रति वर्धिनी का गायन होता है, जबकि राग राजभोग में उष्ण काल का कीर्तन, सुनहरी आली, दोपहरी की बिरिया, बेठी जरोखन, पोबत हार, पोचक आग आ गए, नंद नंदन, मोतन चित्त, ये कांकरी डार का गायन प्रभु के सम्मुख राजभोग में होता है। संध्या आरती में नैन कृपारस, नैन कमल दल फूले का गायन होता है, जबकि शयन में बैठे ब्रजराज कुंवर और मान के कीर्तन में हरि बोलत चल गुरुकुल नारी तथा पोड़वे के कीर्तन में आज नवल किशोर, नवल नागरी का गायन प्रभु के सम्मुख किया जाता है। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कृपया कमेंट बॉक्स में मंगल कमेंट करके अवश्य बताएं। आप सभी का हार्दिक आभार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।